संडे का दिन हो और ऐसी प्यारी प्यारी धूप देखने को मिल जाए। हैप्पी संडे एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर जो हमारे चॉप नट्स हैं। ना अब ये देखिए हमारा क्या खूबसूरत सा कैरेट केक तैयार है। ये देखिए क्या शानदार किस्म की आपकी जल फ्रेजी तैयार हुई है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप इसकी शक्ल चेक करें। चिकन जलफ्रेजी आप लोगों को पता है, चावल हमने बॉईल करें, सिंपल पास्ता है यहाँ पर, और डिजर्ट में बनाया है भाई वॉलनट एंड कैरेट केक। मैं बुलाता हूँ सारे घर वालों को ताकि आए और खाना खाएं भाई। लेकिन जब आप उठे और साफ सुथरे किचन में आए ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, वो काफी पॉजिटिव लगता है जब किचन साफ सुथरा हो आपका। अपनी मजे की जलफ्रेजी है। अंताक्षरी में सुकून लेने के लिए अंताक्षरी कौन खेलता है, वो जनाब गुलाम अली है। और को भी शौक है सॉन्ग्स का, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा है, मुझे गानों का मुझे शता ज्यादा गुस्सा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है भाई। ये देखें जनाब क्या खूबसूरत धूप निकली हुई है आज, ज़बरदस्त है ना जी। संडे का दिन हो और ऐसी प्यारी प्यारी धूप देखने को मिल जाए। फाइनली सूरज भैया निकल आए तो थैंक गॉड, क्योंकि भाई बड़ा जो है ना मैं तो मिस कर रही थी। तो बिल्कुल ग्रे वेदर था, बादल ही बादल बारिश 4 दिनों से, तो मैं क्या बताऊं, लेकिन थैंक गॉड आज देखें नीला आसमान और धूप देख के दिल खुश हो गया है। तो जनाब कर ली है सुबह की शुरुआत और क्या करेंगे, एज यूजुअल संडे को आपको पता है मेरा बड़ा बिजी दिन होता है, बहुत सारे काम होते हैं मुझे और घर वालों के लिए करना होता है बड़ा जबरदस्त सा खाना तैयार। तो आपको याद है मैंने आप लोगों को सारे अपने खाड़ी के कुर्ते दिखाए थे ना जब मैंने लिए थे पिछले व्लॉग में, तो फाइनली मैंने सोचा यार मैं तो भूल ही गई इनके बारे में, मैंने तो पहना ही नहीं इनको निकाल कर, तो मैंने कहा चलो क्यों ना जो है ना आज मैं कुर्ता तो पहन लेती हूँ। ठीक है तो चले मैं चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ भाई जनाब, तो कपड़े शपड़े कुर्ता शुर्ता पा लिया है, हम हो गए सेट खाना बनाने के लिए। सारी तैयारी जो है वो होती है किचन में जाने की, और किचन क्या खूबसूरत जगह है घर की, नहीं मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि वहां पर जो मेमोरीज बनती है ना वो घर के किसी हिस्से में नहीं बनती। तो जनाब आज क्या करेंगे, क्या पकाएंगे, घर वालों को क्या खाना बना के देना है, चलते हैं नीचे किचन में और सारा काम जो है ना करते हैं आपके साथ मिलकर। नीचे चलते हैं फिर बताती हूँ कि आज मैंने क्या प्लान किया हुआ है भाई। एक बड़ी जबरदस्ती चीज ही बनाऊंगी, नॉर्मल खाना नहीं बनेगा आज, आज जो है ना डिजर्ट में बड़ा ही स्पेशल सी चीज बनने वाली है। तो चले नीचे और फिर शुरुआत करते हैं जबरदस्त से संडे की, लेट्स गो। आप साथ साथ जो है मैंने कावा बनाया उमर के लिए, उमर का जो है थोड़ा सा गला खराब है तो अदरक का कावा जो है वो बनाकर दे रहे हैं, और साथ में मैंने हनी डाला है इसके अंदर, तो अदरक का कावा विद हनी सुपर डुपर रेमेडी गले खराब होने की या नज़ला जुकाम जब भी हो ना, ये परफेक्ट चीज है आपके लिए उमर, आपका कावा। ठीक है, थैंक यू मैम, यू वेलकम। हाँ भी जनाब, तो आज बनाएंगे हम लोग कैरेट केक। ठीक है, बहुत मजे का बनता है, इतना आसान केक है, अगर अवन नहीं है चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैंने कई दफा बेकिंग चूल्हे पे करी जब मैं पाकिस्तान में थी, तो मैं चूल्हे पे मैंने बड़े अच्छे अच्छे केक्स और नान खताई हैं और सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा जनाब इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ क्या क्या जाएगा उसके अंदर, और फिर जो है बड़ी अच्छी से उसके ऊपर क्रीम चीज की फ्रॉस्टिंग होती है, नहीं तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर 225 ग्राम जो है मैंने लिया है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है। मैंने दोनों को एक साथ डाल के मेरे पास जो है ना वो थी ये देखिए ये छन्नी, ठीक है, इससे मैंने इसको सारा छान लिया ताकि हमारे पास बिल्कुल स्मूथ किस्म का जो है ना ये फ्लावर और बेकिंग पाउडर आ जाए। अब इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थी 100 ग्राम यहाँ पे मैंने गाजरें ली हुई हैं, उसके अलावा हमें 2 अंडे चाहिए हैं, साथ ही मेरे पास से वनीला एक्सट्रैक्ट जो कि 1 टीस्पून हम डालेंगे, और जनाब यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम ब्राउन शुगर है। ठीक है, 150 ग्राम ब्राउन शुगर है वो डाल रही हूँ, अगर आपको ना मिले तो आप जो है नॉर्मल जो शुगर होती है ना वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 150 ग्राम मेरे पास है वॉलनट्स, 50 ग्राम हम लेंगे और हम इसको अभी चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े मजे के लगते हैं, आप चाहें तो कोई और नट भी ले सकते हैं, चाहें तो पीकन ले लें, ऑलमंड भी डाल सकते हैं अगर बादाम है घर में, लेकिन ये ज्यादा मजे का लगता है। मैंने यहाँ पर जो है ना वो लिए हुए हैं वॉलनट्स, बहुत मजे के लगते हैं जब कैरेट केक के अंदर हम डालते हैं, तो मैं इनको जो है ना चॉप कर रही हूँ, ये हम डालेंगे हमारे केक के अंदर। ठीक है, और साथ ही में जो है ऊपर भी जो है ना हम इसके साथ डेकोर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो बाद में करेंगे तो कोई मसला नहीं, अभी जो है ना हम इसको चॉप कर लेते हैं, बहुत बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है। नट्स भी हमारे चॉप्ड हो गए। ठीक है, 150 ml मेरे पास यहाँ पर है सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारी सारी चीजें यहाँ पर है, मैदा, बेकिंग पाउडर, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी जो शुगर है। ठीक है, ये हमने डाल दी, अब ये हमने मिक्स कर ली हमारी ब्राउन शुगर, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर हमारी जितनी भी कैरेट है। ठीक है, अब हम बना रहे हैं बीच में एक छोटा सा कुआं दोनों अंडे। ठीक है, 1 एंड 2,
ठीक है, ये आगे हमारे दोनों अंडे, तो दो अंडे डाले और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा जो 150 ml ऑयल, ये भी आ गया इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मेरा मिक्सचर जो है क्या जबरदस्त तैयार हो गया, ठीक है, बिल्कुल बीट कर लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ उसके अंदर जो हमारे चॉप नट्स हैं, ठीक है, हमारे अखरोट, ठीक है, और बस इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, ये देखिए मेरे पास जो है ये केक टिन है, हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार करा है मैं इसके अंदर कर दूंगी पोर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा केक का मिक्सचर, 180 डिग्रीज पर तकरीबन 1 आवर के करीब इसको बेक करना है, 45 मिनट्स भी डिपेंड करता है हर किसी का ओवन जो है ना, मेरा ओवन काफी तेज कुक करता है तो मैं तो नजर रखने वाली हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन मेन चीज क्या होती है, केक के कुक हो जाए अच्छी तरीके से, और जब आप उसके अंदर कोई भी टूथपिक डालकर देखें तो क्लीन टूथपिक आए आपकी, ठीक है। ये जा रहा है हमारा ओवन के अंदर, केक ओवन में चला गया केक, और अब इसको लगा देते हैं हम, मुझे जितनी भी देर के लिए चाहिए है तो मैं इसको भी लगा रही हूँ 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैं नजर रखना चाहती हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, केक हमने डाल दिया है, ठीक है, ओवन में बेक हो रहा है, तो हम बनाते हैं चिकन जलफ्रेजी। बहुत दिल कर रहा था नुबैरा को खाने का और मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो यार बड़ा दिन हो गए चिकन जलफ्रेजी नहीं बनाई, विद जीरा पुलाव, सिंपल बॉइल्ड राइस, और साथ में जो है खूबा ने कहा हमें क्रीमी पास्ता चाहिए। जल्दी जल्दी से ये सारी चीजें बनाते हैं, मैं दिखाती हूँ कि चिकन जलफ्रेजी के लिए मैंने क्या क्या सामान निकाल के रखा है। यहाँ पर मैंने ली हुई है चिकन 1/2 kg, चॉप्ड अनियन तकरीबन 1.5 के करीब, 1.5 प्याज ले लें दरमियानी, और यहाँ पर टमाटर है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। मसालों में जाएगा 1/4 teaspoon जो है आपकी हल्दी जाएगी, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon आपका धनिया पाउडर एंड 1/2 teaspoon गरम मसाला, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है स्टर फ्राई की रखी हुई है, यहाँ पर जूलियंस काटे में अदरक के, लेमन जूस है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है और शिमला मिर्चें हैं, ठीक है। अदरक लहसुन भी मैंने यहाँ पर पीसा हुआ है फ्रेश बिल्कुल। तो सबसे पहले करेंगे हम चिकन को मैरिनेट, हम डालेंगे 1/2 teaspoon के करीब सॉल्ट, और डालेंगे 1/2 teaspoon के करीब ही हमारी रेड चिली पाउडर एंड 1/4 teaspoon के करीब काली मिर्च, और साथ में जनाब मैं डाल दूंगी इसके अंदर हमारे पास 1/2 lemon है, ठीक है, तो वो मैं स्क्वीज इन कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी तैयार हो गई है मैरिनेशन बड़ी जबरदस्ती। तो जनाब ये हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, इसको मैं रख दूंगी 15 minutes के लिए, और जब तक जो है मैं बना लेती हूँ खूबा का पास्ता, ठीक है। चलिए जी जनाब, साथ साथ जो है मैं खूबा का क्रीमी पास्ता भी तैयार कर रही हूँ। प्लेन पास्ता खाना है उसको बिल्कुल क्रीमी टमेटो सॉस के साथ जो बनता है, तो मैं बस वही बना रही हूँ फटाफट एक चूल्हे पे। साथ साथ मैंने कहा ये भी बना लेती हूँ। और भाई जनाब मैंने डाल दी है इसके अंदर टमाटर, डालूंगी मैं अपना इसके अंदर सॉल्ट, और जनाब साथ में जाएगी किसी भी लाल मिर्च, मैं साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रश चिली, ठीक है जी, एंड इसको दे देंगे जबरदस्त मिक्स। और जनाब जबरदस्त सॉस तैयार हो गया हमारा पास्ते के लिए, मैं डाल रही हूँ उसके अंदर 2 tablespoon के करीब केचप, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है नहीं डालना चाहे तो ना डालें, इटालियंस देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन जनाब इसके बगैर ना कलर अच्छा आना है ना मज़ा बढ़िया तैयार होगा, ठीक है। इसी स्टेप पे मैं थोड़ा सा डाल दूंगी इसके अंदर बटर, बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर दे देगा इसको, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। अब डाल दी क्रीम, ये मेरी एक ही सॉस है, क्लासिक यूनिक सॉस, ठीक है। ये समझ रहे, मैंने सुपर खानदानी सॉस बना ली है, जो कि आपके पास्ता बनाना हो तो पास्ता, लजानिया लजानिया, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे क्रीमी नूडल्स ही बना के खा सकते हैं, बड़ा मजे का लगता है। ये रहे पास्ता आ गया, और जनाब इसको देंगे अच्छा सा मिक्स, बहुत ही क्रीमी किस्म का पास्ता भी देखें, ठीक है। मैंने इसको दिया ढक्कन, और अब हम बना लेते हैं फटाफट हमारी चिकन जलफ्रेजी, ओके। और वही जनाब यहाँ मैंने करा है ऑयल गरम, और डाल दी है मैंने हमारी चॉप्ड अनियन, ठीक है, उसे डालेंगे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये मैंने डाल दिया हमारा अदरक लहसुन फ्रेश, मैंने अभी यहाँ पीसा है, ठीक है। थोड़ा सा सॉस पे करेंगे हल्का सा, डाल देंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन, ठीक है जनाब। अब इसको करेंगे अच्छे से जो है ना हमें भूनना है चिकन को उसके अंदर, ठीक है। जब तक कि हमारी चिकन जो है फ्राई हो रही है, मैंने कहा हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड, हमें टमाटर का पेस्ट बनाना है, आप बाहर से भी ले सकते हैं लेकिन घर का मुझे लगता है हमेशा जो है ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये किया मैंने एंड लहसुन, देखिए हमने टमाटर पीस लिए, ठीक है, तो हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इन दोनों के साथ हमें क्या काम करना है वो मैं बताती हूँ, लेकिन पहले जल्दी से चिकन को जो है ना देखते कहाँ तक पहुँची। और जनाब चिकन हमारी खूबसूरत सी गोल्डन गोल्डन फ्राई हो चुकी है, मैं डालने जा रही हूँ बाकी सारे मसाले, ठीक है। ये किया हमने मिक्स, और साथ में डाल दिया ये पेस्ट, ठीक है। अब बस हमें इसको तेज आंच पर ना भूनना है,
बोनलेस चिकन है, बहुत तेजी से बनती है। तो पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर के पानी में ही खुद पकेगा। देखें हमारी क्या जबरदस्त जो मसाला तैयार हो रहा है चिकन जलप्रेजी का, ठीक है। तो ये तकरीबन तैयार होने को आ गई, अब मैं क्या डालूंगी इसके अंदर। तो जनाब मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए कसूरी मेथी। ये रही कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी मैंने ऐसे करके इसके ऊपर डाल दिए। ये देखिए हमारी जलप्रेजी बड़ी जबरदस्ती तैयार हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, अब कर देते हैं जल्दी से हम तैयार हमारा जो स्टर फ्राई वेज है, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैंने ले लिया है ऑयल और मैं डालने जा रही हूँ, हमारे पास है पहले हरी मिर्चें, ठीक है, और मेरे पास ये जो दो साबुत लाल मिर्चें हैं, ठीक है, लंबी वाली, एंड साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी जूलियन, ठीक है। ये डाला, इसको बहुत केयरफुली हमने फ्राई करना है क्योंकि बिल्कुल जो है ना जलना नहीं चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, वरना सारा जो है ना फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये टन्स ऑफ फ्लेवर ऐड करेगा आपकी जलप्रेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिस करेंगे तो समझें एक तरह से करी बना के खा लिया आपने, ठीक है। लेकिन जैसे ये जाएगा ना सारा सामान हमारा, तो भाई ज़बरदस्त, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मैं डाल रही हूँ उसके अंदर प्याज, और साथ में हमारे पास जो बेल पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। आँच कर दूँगी तेज़, क्योंकि हमें बिल्कुल तेज़ आँच पर ना इसको स्टर फ्राई करना है, ठीक है। पास्ता जो है मैंने यहाँ पर राइस जी बॉईल करने के लिए लगा दिए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, हमने जो सब्जियाँ ना बहुत गलानी नहीं है, मुझे क्रिस्पी पसंद है अपनी जलप्रेजी में, और डाल देंगे उसके अंदर ये सारा खूबसूरत सा सामान। मैं क्या बताऊँ, क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, वाह, जलप्रेजी पता चल रही है अब, ठीक है। जैसे मैंने सारा डाला है ना इसके अंदर, लग रहा है कि यार ज़बरदस्ती जलप्रेजी तैयार हो रही है, इतनी खूबसूरत पे खुशबू आई है। तो इसको देंगे खूब एक अच्छा सा मिक्स, और जनाब ये देखें क्या शानदार किस्म की आपकी जलप्रेजी तैयार हुई है, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप, इसकी शक्ल चेक करें, बिल्कुल लग रही ना रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है, ज़बरदस्त है ना। और राइट जनाब, तो हम कर लेते हैं जल्दी से हमारी जो आइसिंग शुगर है ना, मैं उसको कर रही हूँ सिफ्ट। आप देख रहे हैं इसका फ़ायदा क्या होता है सिफ्टिंग का। हालांकि दिखने में लग रही थी कि बिल्कुल जनाब स्मूथ है आइसिंग शुगर, लेकिन ये देखें आप, देख रहे हैं इसके अंदर कितने ग्रेन्स पड़े हुए हैं। तो इसको जो है ना, जब भी कहते हैं कि हमेशा आप सिफ्ट कर लें, सारी चीज़ें स्मूथ रहती हैं, फिर कोई किसी किस्म की जो है ना घुटलियाँ नहीं आती हैं। ये देखें आप, अगर हम ऐसे ही मिक्स करते तो ये सारी घुटलियाँ जो है ना हमारे केक में जानी थी। तो चलिए जनाब, इसको भी ऐसे कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस सब स्मूथ। ये देखें कितनी स्मूथ हो गई ये आइसिंग शुगर, पिसी हुई चीनी और स्मूथ हो गई, ठीक है। मेरा केक निकल कर आ गया है, तो मैंने कहा मैं इसकी फ्रॉस्टिंग जो है ना वो तैयार कर लूँ, जो हम बीच में लगाएंगे और टॉप पर लगाएंगे। तो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है क्रीम चीज़, ये वाली मैंने क्रीम चीज़ ली हुई है, ठीक है, सॉफ्ट चीज़ भी कहते हैं इसको। तो मैंने लिया 50 ग्राम क्रीम चीज़ एंड 50 ग्राम ही मैंने बटर लिया है, और फिर मेरे पास है 150 ग्राम आइसिंग शुगर, ठीक है। तो वो मैं इसमें डालूंगी और डालकर इन दोनों को कर लूँगी अच्छे से बीट। तो ये देखें मेरे पास ये रही मेरी आइसिंग शुगर, जो हमने मैंने इसको सिफ्ट कर लिया था, ठीक है। ये आ गया हमारा हाफ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अच्छा भी जनाब, देखें हमारी जो है ना तैयार हो गई ये फ्रॉस्टिंग। यहाँ पर केक मैंने निकाल लिया था, देखें केक हमारा ऐसे तैयार हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ उससे भी। ये देखें, ठीक है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत, इसमें कैरेट्स भी दिख रही होंगी आपको, और जो ये ब्राउन चीज़ है ना ये सारी वॉलनट्स हैं हमारे, जो कि इसमें रोस्टेड हो गए पकते हुए, तो बहुत डिलीशियस फ्लेवर आता है। मैंने केक को बीच में से हाफ करा है, ठीक है, और अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग जो है ना वो मैं लगा दूंगी हाफ इसके ऊपर। अच्छा जी जनाब, ये देखिए मैंने सारी फ्रॉस्टिंग एक हिस्से पे लगा दी है, और अब मैं लगा रही हूँ हमारा ऊपर का जो केक है वो मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये तो चले जनाब, अब इसके ऊपर भी जो है हम जो बाकी की बची हुई हमारी फ्रॉस्टिंग है ना वो लगा लेते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हमारा केक जो है ना मैंने फ्रॉस्टिंग कर दी, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ सिंपली जो हूँ ना इसके जो साइड्स हैं वहाँ पर मैं अखरोट लगा लूँगी, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा क्या खूबसूरत सा कैरेट केक तैयार है, वॉलनट एंड कैरेट केक, ठीक है। तो ये भी मैं ले जा रही हूँ, अब लगाते हैं खाना, फटाफट सेट करते हैं क्योंकि सबको लग रही है भूख। हम निकाल लेते हैं अब हमारा खाना फटाफट, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारी चिकन जलप्रेजी, ये देखिए जनाब क्या खूबसूरत जलप्रेजी मैंने तैयार करी है, और ये मैंने डाल दी है जूलियंस इसके ऊपर, और जनाब ये देखें क्या इसकी शक्ल है, जबरदस्त, ठीक है जनाब। तो चलें इसको भी लेके चलते हैं, राइस निकालते हैं, पास्ता निकालते हैं, सर्व करते हैं खाना।
इसको भी लेके चलते हैं टेबल पर। ऑलराइट जनाब, खाना लग गया है टेबल पर जी। ये है सारी कहानी इस वक्त। क्या बनाया मैंने? मैंने बनाया है देखें चिकन जलफ्रेजी, आप लोगों को पता है। चावल हमने बॉईल करें सिंपल, पास्ता है यहाँ पर, और डिजर्ट में बनाया है भाई वॉलनट एंड कैरेट केक। बड़ा यमी सा डिजर्ट है, मुझे कैरेट केक काफी पसंद है। तो चलें भाई अब हम तो करेंगे बिस्मिल्ला। मैं बुलाती हूँ सारे घर वालों को, मैंने तो अपनी मेहनत पूरी कर ली, अब टाइम आ गया उनके एंजॉय करने का। नुवारा कैसा लग रहा है? नुवारा राइस भी निकालो, ठीक है? तो नुवारा एंजॉय करेंगी अपना खाना, मैं भी निकाल रही हूँ भाई। आज जो है ना हम आपको दिखा रहे हैं खाना निकाल कर, ठीक है जी? तो लाएं भाई लाएं। केक मैं करती हूँ जरा साइड में हमारा, और जनाब ये हमारी जो है ना खूबसूरत सी जलफ्रेजी ये आ गई यहाँ भाई। यमी यमी सा पास्ता भाई, इसके बगैर जो है ना ये तो हो गया प्लेटर तैयार। ये ले मैं दिखाती हूँ आप लोग को हमारी जलफ्रेजी खा के भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मजे की जलफ्रेजी है। उम्र कैसी बनी बताएं? बहुत मजे की, बहुत ज्यादा मजे की, इतने मजे की कि बस क्या बताऊं। बहुत मजे की जलफ्रेजी है ऑनेस्टली, मतलब लग रहा है आपने ना बाजार से मंगाई हुई है या रेस्टोरेंट टाइप की नहीं होती है। क्या ये बच्चे की नहीं है? जल्दी से खाना खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? जनाब अब खाना पीना खा लिया है तो उसके बाद जो है बर्तन धुलना सबसे जरूरी है। मुझे पता नहीं क्यों हाथ से पसंद है, उम्र डिशवॉशर यूज करते हैं। फटाफट जो है ना वो धुल जाता है, यकीन करें। लेकिन छोड़ दो ना और फिर सुबह उठ के, मैं कहती हूँ सबसे वर्स्ट चीज़ अगर आपने बर्तन छोड़ दिए ना रात के और सुबह उठे आ जाओ, ओए होए होए होए, सुबह वैसे इतनी कोई भगदड़ मचती है। अगर छुट्टी का दिन हो तब भी पता है क्या आपका मूड, मतलब सबसे पहले आके आप बर्तन धोएं सारे तो आपका एक पूरी रूटीन ख़राब वैसी हो जाती है। लेकिन जब आप उठें और साफ़ सुथरे किचन में आए ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है जब किचन साफ सुथरा हो आपका, नीचे उतर कर आएँ, ठीक है? तो फटाफट जो है टाइम नहीं लगता, आप जल्दी जल्दी जो है ना चीज़ें बनाना शुरू कर सकते हैं। नाश्ता हो गया है ना तो काफ़ी आसानी रहती है। मेहनत होती है कभी कभी, सच बताऊँ नहीं दिल करता इतना सारा खाना पकाने के बाद। खैर उम्र बर्तन धोते हैं हमारे घर में तो बेचारे उम्र की तबीयत थोड़ी सी जो है ना जितनी सही नहीं है, तो मैंने उम्र को बोला बिल्कुल ही नहीं, मैं करूँगी बर्तन जो है ना वो मैं धोती हूँ। तो फटाफट हाथों से जितने जल्दी धो लेते हैं ना बर्तन, ऑनेस्टली ये मशीनें एक एक घंटा डाल के उसमें ऑनेस्टली मुझसे नहीं आता। तो जनाब खाना पीना हो गया है और बर्तन भी धो लिए हैं, बर्तन धुल चुके हैं, अब मैं आके आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, थक गई हूँ। काम जो है ना वो शुरू होता है उसे करते 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 जो है ना वो टाइम देखें कितना कहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन मज़ा यही है ना, मज़ा यही है घर वालों के लिए जो है ना खाना बनाओ अच्छे से, उनको एंजॉय कराओ। संडे स्पेशल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा वीक जो है ना देखें वो तो चलता है भागते दौड़ते, ठीक है? कभी किसी ने खाना खा लिया, शाम का खाना जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं जिस दिन लंदन जाती हूँ ऑफिस, वहाँ पर जो है आते आते मुझे तो होती है देर, तो मैं तो वो डिनर जो है ना उस दिन का डिनर मैं मिस कर देती हूँ, मैं खुद अकेले खाती हूँ, बच्चे उम्र खा चुके होते हैं, या नॉर्मल रूटीन भी ऐसी हो जाती है कभी कभी। तो संडे जो है ना बहुत स्पेशल डे है, वीकेंड्स और संडे खास तौर पे भाई सब मिलकर जो है ना वो खाना खाएं, एंजॉय करें, साथ में एक फैमिली टाइम बनाएं। नुवारा क्या लगा रही हो अब तुम? नुवारा जो है ना वो मन्नत मुराद ढूंढ रही है, वो पता नहीं कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँच गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगा दिया नुवारा, नुवारा जो है ना वो सेट करिए और उमर आएंगे तो फिर हम लोग सब देखेंगे मन्नत मुराद। ड्रामे चल रहे हैं आजकल, जाने जहाँ भी आ गया है, नहीं उसका भी चल रहा है कुछ अच्छा लग रहा है फिलहाल तो आयजा खान का जो है, लेकिन देखें क्या होता है। कभी कभी ड्रामे अच्छे लग रहे होते शुरू होते हैं लेकिन फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बंदा बीच में छूट जाता है, पता नहीं चलता उस ड्रामे का हुआ क्या। तो ये कहानी है। तो आई होप भाई आज आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा। संडे का खाना तो हमारा साथ हो गया है अब बिल्कुल, है ना? संडे का खाना मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ, साथ में खा लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा जो है ना फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता है आप लोगों के साथ भी। एंड आई होप आप लोगों का संडे भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ सोच रही हूँ मैं करने के लिए, कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी आप लोगों से सवाल पूछना है मुझे और देखूंगी आप लोग उसका क्या जवाब देते हैं और क्या आप लोगों की तरफ से सजेशंस आते हैं। तो जो आप बोलेंगे ना आप लोग बस फिर वो करूंगी मैं, ठीक है? यार उमर अंताक्षरी खेले मुझे तो आता नहीं है भाई। वाला मुझे तो नहीं आती अंताक्षरी, अंताक्षरी खेलते मजा आएगा यार, कोई गेम वगैरह खेलो, चोर सिपाही खेल लेते हैं। बादशाह चोर सिपाही कौन खेलेगा? उमर तो माफी रखो भाई, चोर सिपाही में इतना बच्चों वाला गेम है बचपन का। उमर बस करें, अभी हम लोगों ने दो हफ्ते पहले खेला है कुछ भी। बच्चों के लिए खेला है।
तो बच्चों के लिए खेलते गेम्स का मतलब ही है, ये तफरी आती है खेलने की, चोर सिपाही में इतना मजा आता है। अंताक्षरी खेल लेते हैं, अंताक्षरी पता है हम लोग सोचे कैरियोकी करने के लिए, कैरियोकी वाला प्रोग्राम करें और आप लोगों के साथ ना कैरियोकी का कोई व्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करें आप लोगों के लिए। तो प्लान है, प्लान बन रहा है, तो मजा आएगा। लेकिन उमर अंताक्षरी खेलते तफरी करते हैं, मुझे तो सॉन्ग याद ही नहीं रहते हैं वैसे, ये सच बात है। और उमर वैसे ना गाए तो अच्छा सब भाग जाएंगे। उमर वैसे अगर ना गाए ना तो अच्छा है, क्योंकि अगर उमर ने जो गाना शुरू करा ना तो सब कुछ है ना कान में होंगे। अच्छा नहीं नहीं उमर अंताक्षरी तू अंताक्षरी कोई कोई गले की आवाज, क्योंकि आपको वार्ड थोड़ी मिलने के लिए कि आवाज किसकी बहुत सुरीली सुरीली हो, कि आवाज किसकी सुरीली है, सब लाइक फन हैविंग फन, इतना मजा आता है। लेकिन उसके साथ आवाज भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी, नहीं होनी चाहिए अगर आवाज बिल्कुल ही बहुत ही, ये इंजॉयमेंट होती है एंजॉय करने के लिए आवाज। चलो मैं आपको भी जल्दी से फौरन देती हूँ, अलिफ से गाना गाएं जल्दी से कोई। अलिफ से? हाँ अलिफ से, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से गाएं जल्दी से। क्या है अलिफ से? मुझे क्या पता, मुझसे ये पूछ रहे, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप बताएं गाकर क्या है जल्दी से, कम ऑन। अलिफ से इतने गाने आते हैं, मुझे यकीन जानो मुझे गानों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सुन लेता हूँ। अच्छा और आपका फेवरेट सॉन्ग तो है, झूठ तो ना बोले, जो आप सबको पका देते गाड़ी में चलवा चलवा के, कौन सा है? अलिफ से ही वो गाना आता है, वो थोड़ा शर्म करे। उमर आज से तेरी वाला यार हाथ धो गई। You making me embarrassed in front of myself, you know? नहीं कोई नहीं। उमर चले ना जल्दी से गा ले फटाफट, दो लाइनें सुना दें। क्या है आज से? हाँ आज से तेरी, आज से तेरी गलियां मेरी हो, क्या है नहीं? आज से तेरी, तेरी गलियां मेरी हो। हाँ चले चले चले। मैं कह रहा हूँ आई एम ब्लैंक कम्प्लीटली, मुझे बिल्कुल याद नहीं है यार। हाँ आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरी गलियां मेरी मैं देख सकती हूँ यूट्यूब वाले मेरे, मेरे जो सब, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो सब भाग रहे कॉटन बड्स लेने के लिए, उन्हें कानों में डालने के लिए। बस इसीलिए बोल रहा था मैं भाई, अच्छी आवाज। लेकिन इससे कुछ नहीं, और फान मैं तफरी करी हूँ आपकी टांग खींच और सब कुछ भी नहीं, लेकिन फान है ये गानों को इतना पसंद है ना। आप बीवी होके इसलिए बात कर रही है, लेकिन मुझे पता है अच्छे तरीके से क्या कि गाने का मकसद यही है कि आदमी को सुकून महसूस हो, एंजॉय करे। फान अंताक्षरी में, अंताक्षरी में सुकून लेने के लिए अंताक्षरी कौन खेलता है? लेकिन ये गाना उमर को इतना पसंद है, हम लोग जब भी जाते हैं ना उमर कहते हैं वाला गाना लगा दो, तो ऐसा कुछ नहीं है, उमर को भी बहुत शौक है। लेकिन उमर को भी शौक है सॉन्ग्स का, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा है, मुझे गानों का मुझे शता ज्यादा घुसा शता ज्यादा घुसा हुआ है। लेकिन लेकिन मेरे सॉन्ग्स ना वो वाले नहीं है, सारे सॉन्ग सुनती हूँ मैं, अरेबिक सॉन्ग्स भी, मुझे सारी जगहों के सॉन्ग्स ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे लगते हैं, एज लॉन्ग एज ट्यून अच्छी हो। लेकिन मुझे गजलें बहुत पसंद है, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान और जनाब गुलाम अली, ये क्या बात, आजकल मेहंदी हसन यार, आजकल बल्कि चल भी रहा था ना कौन सा, आजकल की जो गजल हमारी बहुत चल रही है गाड़ी में, मैं कौन सी है वो, रफ्ता 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 आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, आए हाय क्या बात है, और चले सुनाए जल्दी से। रफ्ता रफ्ता वो मेरी, ये क्यों है पाकिस्तान में पले बड़े हैं ना, हाँ तो नॉस्टैल्जिया है ना, ये नॉस्टैल्जिया है, ये आपने उठते बैठते सुना हुआ ना। देखिए आप लोगों को व्लॉग भी दिखा दिया, खाना भी पा के खिला दिया गाने भी सुना दिया आप लोगों को, है ना। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज का ब्लॉग, जब तक कि नुवायरा ढूंढती है, मन्नत मुरादी ढूंढ रही है कौन सी एपिसोड हमने लास्ट देखी थी। लेकिन मैं चलती हूँ, उमर से थोड़े से और गाने सुनती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी किसी अच्छे से ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ माय यूट्यूब फैमिली, लव यू लॉट्स, बाय।